हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च 2019 और यह हमारी 88वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने एंथम ऐप लॉन्च किया है? जिसका सही ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने ये एंथम ऐप लॉन्च किया है। आपको बता दें, भारत को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इसे 7 languages यानी 7 भाषाओं में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और इन्होंने ही हाल ही में एंथम ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस शहर में सबसे लंबी बस परेड का रिकॉर्ड बनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है प्रयागराज। हाल ही में प्रयागराज में 503 बसों की परेड बनाई गई, जो विश्व में सबसे लंबी बस परेड थी। यह बस परेड 3.2 किलोमीटर लंबी परेड थी। आपको याद रखना है, इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है और यह विश्व की सबसे लंबी परेड है। आपको एक बार फिर बता दें, विश्व की सबसे लंबी बस परेड हाल ही में प्रयागराज में बनाई गई, यह एक विश्व रिकॉर्ड है। आपको बता दें, कुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 503 बसें चलाई गई, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। और ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है बस परेड, इसमें 503 बसें थी जो 3.2 किलोमीटर लंबी परेड में थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैनामती युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तस्करी और आपराधिक गतिविधियों को रोकना है। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में संप्रति युद्ध अभ्यास भी होगा, जो 2 से 15 मार्च के बीच किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, हाल ही में मनामैती युद्ध अभ्यास हुआ है और अब 2 से 5 मार्च के बीच बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रति युद्ध अभ्यास भी किया जाएगा। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो मैप में आपको बांग्लादेश के बारे में बता दें। ये जगह है बांग्लादेश को दर्शाती है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। तो इतना आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने कलाम नवोन्मेष अवार्ड 2019 प्रदान किए हैं? जिसका सही ऑप्शन है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। हाल ही में वेंकैया नायडू जी ने कलाम अवार्ड उन व्यक्ति व संस्था को दिए हैं जो प्रशासन को बेहतर और जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो कलाम नवोन्मेष अवार्ड 2019 उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने प्रदान किए हैं। आपको बता दें, इसमें मध्य प्रदेश के सीएम जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्हें भी यह कलाम अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पीएम मोदी ने कौन से अवार्ड प्रदान किए हैं? जिसका सही ऑप्शन है शांति स्वरूप भटनागर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए हैं। आपको बता दें, 2016, 2017 और 18 के लिए शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड प्रदान किए गए हैं। आपको बता दें, इस अवार्ड की स्थापना 1957 में की गई थी और इस अवार्ड को सीएसआईआर के संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार युवा वैज्ञानिक और इंजीनियरों को उनके विकास कार्य और अनुसंधान कार्य के लिए दिया जाता है। अब ये सीएसआईआर क्या है और ये शांति स्वरूप भटनागर सीएसआईआर के संस्थापक थे, तो ये सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसके फाउंडर थे
शांति स्वरूप भटनागर और इन्हीं की स्मृति में यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है और इस साल यह 2016, 17 और 18 के लिए पीएम मोदी ने यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इतना आपको इस पुरस्कार के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में STARS योजना किसने लॉन्च की है? जिसका सही ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये स्टार्स योजना लॉन्च की है। 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर यह योजना लॉन्च की गई है। अब ये स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है आपको बता दें, स्कीम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च एंड साइंस, ये स्टार्स का फुल फॉर्म है और यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाई गई है। और यह योजना लाई गई कब, यानी 28 फरवरी को, इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है दूसरा संस्करण। हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। आपको बता दें इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावर चंद गहलोत ने लॉन्च किया है। अब ये भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश है क्या, इसके बारे में आपको बता दें तो जो मूक बाधिर बच्चे होते हैं उनके माता पिता के लिए कुछ शब्दकोश यानी कुछ मीनिंग्स वर्ड जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं जो मूक बाधिर बच्चे और उनके माता पिता को बहुत यूजफुल होंगे कन्वर्सेशन के लिए, तो इसलिए इसका यह दूसरा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस कंपनी को विश्व नैतिक कंपनियों में शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है टाटा स्टील। हाल ही में टाटा स्टील को विश्व नैतिक कंपनियों में शामिल किया गया है। इस कंपनी को प्रतिष्ठा, कार्यक्रम अनुपालन, नैतिकता, संस्कृति, नागरिक जिम्मेदारी आदि के आधार पर विश्व नैतिक कंपनियों में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है भारत की टाटा स्टील विश्व नैतिक कंपनियों में हाल ही में शामिल की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? जिसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नए रेलवे जोन की घोषणा की है जो आंध्र प्रदेश में होगा और जिसे दक्षिणी तटीय रेलवे जोन कहा जाएगा और इसका मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम में होगा। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में नया रेलवे जोन स्थापित किया गया है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो मैप में आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता दें, ये जगह है आंध्र प्रदेश को दर्शाती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई थी। गवर्नर है ESL नरसिम्हा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस फाउंडेशन ने आरोहण सामाजिक पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है? जिसका सही ऑप्शन है इन्फोसिस। हाल ही में इन्फोसिस ने आरोहण सामाजिक पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है। यह पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में नवीन समाधान प्रदान करने वाले व्यक्ति, दल और गैर सरकारी संस्था को प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें इन्फोसिस एक कंपनी है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो इतना आपको इस इन्फोसिस के बारे में याद रखना है और हाल ही में इसने आरोहण सामाजिक पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल केसरी किस प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम है? जिसका सही ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी का उपनाम है बंगाल केसरी। इसके अलावा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव या विश्व गुरु और लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत के नाम से जाना जाता है और आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है टेबल टेनिस। रामानुज ट्रॉफी
टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। इसके यानी रामानुज ट्रॉफी के अलावा वर्ना वेलिक ट्रॉफी, जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, त्रवणकूर कप और स्वेथलिंग कप, ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। इसमें कुछ जो महिला वर्ग भी शामिल है और पुरुष वर्ग भी इन दोनों इन कपों में शामिल है। एक बार फिर आपको बता दें, रामानुज के अलावा जयलक्ष्मी कप ये महिला वर्ग से संबंधित है, राजकुमारी चैलेंज कप ये भी महिला वर्ग से संबंधित है, त्रवणकूर कप ये भी महिला वर्ग से संबंधित है, स्वेथलिंग कप ये पुरुषों से संबंधित है, वर्ना वेलिक कप भी पुरुषों से संबंधित है। तो रामानुज ट्रॉफी के अलावा ये ट्रॉफी भी टेबल टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।